हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। रूपा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कल लेकर आई हूँ एक बिरयानी। तो इसे बनाने में ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और इसके साथ मैं रायता भी बनाई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसे मैं कैसे बनाती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बनाने के बाद कमेंट भी करें। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं 2 कटोरी चावल पहले से भिगो के रख ली थी और यहाँ मेरे कुकर गर्म हो चुके हैं। इसमें मैं 1 टेबल स्पून घी डाली हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ी सी जीरा डालूँगी और 2-3 पत्रज डालूँगी और दालचीनी और 1 इलायची। अब इसके बाद मैं इसमें धोई हुई चावल को मैं डाल दी। अब इसे मैं 2-3 मिनट के लिए चलाती जाऊंगी और इसे थोड़ी सी फ्राई कर लूंगी। जिस तरह से हम लोग फ्राई राइस बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे बनाना है। 2-3 मिनट चलाने के बाद इसे हम, जब हल्की सी ये ब्राउन होने लगे, उसके बाद इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इसे 2-3 मिनट चला ली हूँ। अब ये हल्की सी हो गई है, सुनहरी। और इसमें हम पानी जितना चावल में डालते हैं फ्रेंड्स, उससे थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि इसे हमें पूरा नहीं पकाना है, थोड़ा सा आधा ही पकाना है। तो इसमें मैं 2 कटोरी चावल में 3 कटोरी पानी डालूंगी, थोड़ी सी कम डालूंगी जिससे ये हल्का कम सीझे। अब मैं इसे 1 सीटी लगने तक रख दूंगी। अब यहाँ देखिए, मेरे तेल गर्म हो चुके हैं। अब मैं अंडे उबाल के रखी थी, इसे मैं हल्का सा एकदम लाइट फ्राई कर लूँगी। और इसमें आप आलू डालना चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं, मैं भी आलू डाल रही हूँ। अब ये देखिए, एकदम लाइट फ्राई मैं की हूँ इसे। इसमें मैं आलू भी डाल दूंगी, आलू को भी मैं लाइट फ्राई करूंगी। देखिए, इसे मैं हल्का सा इसे भी ब्राउन होने तक इसे कर लूंगी। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं इसमें मसाले तैयार करूंगी। बस इसे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये हल्का सा इसे बस थोड़ा सा कर देना है सुनहला होने तक, जिसे ये थोड़ा टाइट बना रहे। आप देखिए, ये मैं भून ली और ये मेरे तेल गर्म है, उसी में मैं पत्रज डाल दी हूँ, दालचीनी डाल दी हूँ और 1 बड़ी इलायची डाली हूँ। और इसमें फ्रेंड्स प्याज ज़्यादा डालना है, क्योंकि ग्रेवी बनानी है हमें, तो ग्रेवी भी ज़्यादा बननी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े प्याज ली हूँ। इसे मैं लाल होने तक भून ली। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ी सी अदरक और ये लहसुन का पेस्ट। अब इसे मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। देखिए, ये थोड़े लाल होने तक इसे मैं भूनती रहूँगी। इसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। तो अभी ये मेरे थोड़े से लाल हो रहे हैं, इसे मैं थोड़ा सा और चलाऊंगी। फ्रेंड्स मसाले को अच्छी तरह से भूनना है जिससे ये एकदम टेस्टी बने। जब ये अच्छी तरह से लाल हो जाए फ्रेंड्स, तब इसमें हम डालेंगे टमाटर। 2 बड़ी टमाटर आप इसमें डालेंगे। अब देखिए, इसे मैं जब तक ये टमाटर मेरे सॉफ्ट ना हो जाए,
मिक्स ना हो जाए इसमें, तब तक मैं इसे चलाती रहूँगी और इसे मैं धीमी आंच पे चलाऊँगी। देखिए अब ये हो रहे हैं, थोड़ा सा और इसे होने देती हूँ मैं। अब ये देखिए लगभग तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें दही डालूंगी, थोड़ा सा इसे मैं और भून लेती हूँ क्योंकि टमाटर भी भूनने चाहिए। अब देखिए मैं इसमें जो मेरे तले हुए थे अंडे और मैं आलू, इसे भी इसमें मिक्स कर लूँगी। इसे ज़्यादा देर नहीं, बस थोड़ा देर चलाना है। इसके बाद मैं इसमें दही डाल रही हूँ, हाफ कटोरी दही डालूँगी। थोड़ी देर इसे चलाने के बाद अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, 1 चम्मच नमक डाली हूँ। मतलब आपकी इसे टेस्ट के अनुसार डालें, जितना मात्रा में आपका चावल हो और ये ग्रेवी हो। तो मैं यहाँ पे चावल भी ज़्यादा ली हूँ, 2 कटोरी है, इसलिए मैं नमक डालूँगी टेस्ट के अनुसार। और यहाँ पे मैं शाही बिरयानी मसाला डाली हूँ। अब इसे थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें मैं हरा धनिया थोड़ा सा डाल दी, इसे चलाते रहना है। जब थोड़ा सा ये हो गया है, अब इसमें मैं थोड़ी सी पानी डाली हूँ, 1/2 कटोरी, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। फिर इसे थोड़ा देर छोड़ दी। अब ये देखिए यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज जो है इसे तल लूँगी। मैं प्याज को से बिरयानी में डालने से टेस्ट एकदम अच्छा आता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसमें प्याज को तल लूँगी क्रंची होने तक इसे। देख जब देखिए ये लाल हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, तब मैं इसे निकालूंगी। अब ये देखिए हो चुके हैं, अब इसे मैं निकाल लूंगी। और यहाँ मेरे देखिए चावल तो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैं दूसरी बर्तन में निकाल ली। अब मैं कुकर में पहले थोड़ा सा चावल डालूंगी, मैं परत बना करके इसमें डालूंगी। पहले मैं चावल डाल दूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर ग्रेवी डालूंगी, फिर चावल डालूंगी, फिर ग्रेवी डालूंगी। तो यहाँ पे देखिए अब इसके बाद मैं एक परत इसमें ग्रेवी डाल रही हूँ। 4 अंडे मैं डाली हूँ, आलू डाली और ग्रेवी डाल दी एक परत। अब इसके ऊपर मैं एक परत बना करके फिर चावल डालूंगी। देखिए इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे चारों ओर से। देखिए अब इसके ऊपर से मैं एक बार फिर से डालूंगी ग्रेवी। जितनी मेरी बची हुई ग्रेवी थी मैं सब डाल दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरे ग्रेवी ज़्यादा हैं और चावल भी ज़्यादा हैं, तो इसलिए मैं इसका 2 लेयर बनाई हूँ। अब इसके ऊपर से बचे हुए चावल फिर से डाल दूंगी। अगर आप कम चावल बनाते हैं तो बस 1 लेयर चावल, 1 लेयर डालेंगे ग्रेवी और फिर 1 लेयर चावल। तो अब देखिए मेरा पूरा डला गया है। इसमें मैं फ्राई प्याज को डाल दी हूँ यहाँ पे, इसमें मैं 2-3 हरी मिर्च डाल दी और यहाँ पे मैं हरा धनिया डालूंगी थोड़ा सा। अब इसे मैं 1 सीटी और 1 गिलास इसमें पानी डाल दी, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा कम पानी डाली थी और थोड़ा सा इसे और होना बाकी है। और इसे लगा दूंगी हल्का सा 1 सीटी होने तक। अब देखिए मेरे बनकर तैयार हो चुके हैं बिल्कुल।
देखिए मेरे बन गए हैं, अभी से मैं सर्व करूंगी निकाल कर। देखिए ये कितने सुंदर कलर आ गए हैं, और इसे आप रायता के साथ खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। देखिए इसका कलर बहुत सुंदर आया है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, आप ज़रूर ट्राई करें इसे, और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर करें कैसी बनी आपकी। देखिए इस तरह से इसे मैं धनिया पत्ते से गार्निश कर दी हूँ। तो फ्रेंड्स इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बना करके फिर मुझे कमेंट ज़रूर करें कैसी बनी आपकी।